What is up guys, welcome back to my... कर लो भाई कर लो, फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लो भाई, यहाँ वीडियो थोड़ी चल रही है, यहाँ रेस चल रही है। आखिर CP9 उस बस्टर कॉल से कैसे बचती है और उसके बाद उनका क्या होता है, यह है कवर स्टोरीज पार्ट 3। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं CP9 के बारे में। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लूनो के एयर डोर वाले एबिलिटी के हेल्प से CP9 के मेंबर्स किसी तरह बस्टर कॉल को सर्वाइव कर जाती है एंड वो लोग एनिस लॉबी से भी निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एंड देन द साइफर पोल 9 यानी कि CP9 डिसाइड्स टू विजिट एन आइलैंड नेम संत पोलर, क्योंकि यार रॉब लूची के वुंड्स को भी हील करना ज़रूरी था। रॉब लूची काफ़ी घायल होता है और इसके लिए वो लोग जब उस आइलैंड में पहुँचते हैं तो वो लोग वहाँ पर पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमारा जो जैबरा और जो ब्लूनो था वो लोग वहाँ पर कुछ शो केसिंग करते हैं और एनिमल शो भी होता है जहाँ पे काकू और जो अपना जिराफ था वो लोग भी कुछ अपना शो करते हैं और जो कॉलीफ्ला थी वो स्ट्रीट को, पूरे स्ट्रीट को वहाँ की साफ कर देती है अपने सोप वाले एबिलिटी के हेल्प से, अगर तुम्हें याद हो तो। मतलब देख रहे हो भाई ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हालांकि चलो कोई काम छोटा नहीं होता और इसीलिए इन्हें पैसे भी मिलते हैं और जो इन्हें पैसे मिलते हैं ये लोग उससे लूची को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं और वो कुछ दिन तक अनकॉन्शियस रहता है। एंड मीनवाइल जो CP9 के एजेंट्स थे वो लोग शॉपिंग और साइट विजिटिंग कर रहे होते हैं पूरे आइलैंड में। लूची के रिकवर करने के बाद CP9 बॉलिंग करने जाती है, मतलब बेसिकली वो लोग हैंग आउट कर रहे होते हैं। पर तभी बाहर से बहुत शोर शराबा हो रहा होता है एंड ये दिखाया जाता है कि कैंडी पायरेट्स का जो कैप्टन है वह एक माँ और उसकी बेटी को कैप्चर कर लिया होता है। पर वहाँ पे CP9 पहुँचती है और वो लोग आसानी से बिल्कुल चुटकियों में कैंडी पायरेट्स को हरा देती है ऑब्वियसली। पर यहाँ पे जो टाउन के लोग थे वो लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा अमेज हो जाते हैं कि भाई क्या कमाल के लोग हैं यार। पर तभी लूची का जस्टिस बीच में आ जाता है और वो उनके क्रू के कैप्टन के सर को अपने पैरों से कुचल देता है और ये देखकर वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो लोग डर के मारे भागने लगते हैं। और ये सब देखकर CP9 ये रियलाइज़ करती है कि अब वो इस आइलैंड में और देर नहीं रुक सकते और वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। पर निकलने से पहले एक लड़की आती है और उनको एक सुंदर सा फूल देती है, असल में वो सिर्फ कॉलीफ्ला को फूल देती है थैंक्स के तौर पर क्योंकि उन्होंने उसकी माँ और उसे बचाया था। और अब फाइनली CP9 उस आइलैंड को छोड़कर चले जाते हैं और अपने आइलैंड में पहुँचते हैं, यानी कि वो लोग अपने होमलैंड में पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें दिखता है कि फ्यूचर जनरेशन के साइफर पोल यानी CP को ट्रेंड किया जा रहा होता है। पर तभी वहाँ पर मरीन्स आ जाती है एंड ये दिखाया जाता है कि जो मरीन्स थी वो लोग CP9 को कैप्चर करने आई थी, यानी कि उन्हें ऐसा ऑर्डर दिया गया था कि वो CP9 को कैप्चर करे। पर हमारे जो CP9 थे उन्हें अपने आइलैंड को प्रोटेक्ट करना था और वो लोग अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं। और ये जो फाइट हुई थी ये ऑफ स्क्रीन फाइट थी, ये हमें दिखाई नहीं गई थी। तो यहाँ पे कट सीन हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि जो स्पैंडैम है उसे ट्रीट किया जा रहा होता है हॉस्पिटल में और उसका बाप भी वहीं पर होता है। स्पैंडैम जो कि अपने इंटेंस केयर यूनिट पर था एक कॉल रिसीव करता है डायरेक्टली फ्रॉम लूची, जिसमें लूची डायरेक्टली कहता है कि वे लोग वापस ज़रूर आएंगे स्पैंडैम के लिए। अब यहाँ मांगा में कहीं दिखाया तो नहीं गया बट मोस्ट लाइकली स्पैंडैम से वो लोग बदला लेने के लिए वापस आएंगे, क्योंकि स्पैंडैम ही वो बंदा था जिसने CP9 के ऊपर ये ब्लेम लगाया था कि उनकी वजह से ही ये मिशन फेल हुआ है एंड उसी ने सारे मरीन्स को CP9 को कैप्चर करने के लिए कहा था। अब जो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार कौन से मिशन के बारे में बात कर रहे हो, तो वो मिशन था रॉबिन को कैप्चर कर उसे एग्जीक्यूट करना, जिसमें CP9 बहुत बुरी तरह फेल हो गई थी। असल में यहाँ पे देखा जाए तो गलती स्पैंडैम का ही था क्योंकि उसके पास मौका था पर उसने रॉबिन को नहीं मारा। अच्छा हुआ यार तो रॉबिन बच गई या थैंक्स। लेकिन जो चीज़ मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग खा रही है वो यही है कि ये जो कवर स्टोरीज है ये निकले कैनन, इसका मतलब हो सकता है कि स्पैंडैम हमें फ्यूचर में दिखने वाला है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब रॉब लूची उसे एक गंदा वाला पीटने वाला है, काश वो उसका सर कुचल दे, मार ही दे साले को। भाई मैं तुम्हारे तरफ हूँ यार, प्लीज़ उसे मार दो, उसे प्लीज़ इस दुनिया से उठा लो, ख़त्म कर दो उसे। नेक्स्ट पैनल में हमें देखने को मिलता है कि CP9 अपने होमलैंड को छोड़कर चली जाती है और उसके बाद मांगा ख़त्म। हाँ पर रुको ज़रा, मांगा ख़त्म हुई है वीडियो नहीं। तो मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा था, असल में मुझे स्क्रिप्ट लिखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने इस बार fandom.com खोला था एंड जब मैं वहाँ से इस पूरे स्टोरी को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको ही ट्रांसलेट कर देते हैं गूगल में, एंड ये मैंने पहली बार किया।
और इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है भाई, एक बार तुमने सुनो, बहुत मजा आएगा। ब्लूनो के एयर डोर के माध्यम से एनिस लॉबी के विनाश से बचे CP9। साइफर पोल 9 के सदस्यों को स्पैंडैम के अपवाद के साथ पैदल यात्रा करने के लिए मजबूर किया गया, जहां वे रॉ ब्लूची का घावों को इलाज कर सके, जिसके लिए वे योजना बनाते हैं कि वे सड़क पर मुजरा करेंगे। अच्छा भाई चलो, मैं मजाक कर रहा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वन पीस रिलेटेड कंटेंट के लिए। एक्चुअली सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वन पीस में सोर्ड के बारे में जानना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर एनिरू के बारे में जानना चाहते हो उसकी कवर स्टोरी के बारे में तो ये राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।